ओमान की रॉयल एयरफोर्स ने मुसंदम से अल बातना उत्तर गवर्नरेट के लिए एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति से पीड़ित नागरिक के लिए चिकित्सा निकासी की। ओमान समाचार एजेंसी द्वारा जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, नागरिक को हेलीकॉप्टर द्वारा डिब्बा अस्पताल से खसब एयरबेस तक पहुंचाया गया। उसके बाद उसे एक सैन्य परिवहन विमान के माध्यम से अल मसाना एयरबेस तक पहुंचाया गया ताकि वह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। उड़ान के दौरान चिकित्सा देखभाल और आवश्यक विशिष्ट उपचार के लिए उत्तरी अल बातना गवर्नमेंट के सोहार अस्पताल में एम्बुलेंस द्वारा पहुंचाया गया। ओमान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी OCCI द्वारा ऑनलाइन जारी किए गए एक बयान में कहा गया है, महामहिम श्री रिधा अल सली चेंबर के निदेशक मंडल के अध्यक्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि चल रहे कोरोना वायरस महामारी के कारण कार्य परमिट शुल्क बढ़ाने और नवीनकृत करने का निर्णय स्थानीय आर्थिक गतिविधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। व्यापार मालिकों को बहुत नुकसान होगा और स्थिति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की उच्च लागत हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 161 नए कोरोना वायरस मामले दर्ज किए हैं और कोई मौत नहीं हुई है। देश में कुल मामले अब 1,34,685 हैं, जिनमें से 1,27,054 अब स्वस्थ हैं और 1,532 लोग की मृत्यु हो चुकी है। मंत्रालय ने सभी से सर्वोच्च समिति और MOH द्वारा जारी सामाजिक दूरी के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया।